क्योंकि उन ग्रंथों में लिखा गया है कि वृंदावन में रहकर ब्रज भाव में रहकर कैसे राधा कृष्ण युगल की सेवा की जाती है, उन ग्रंथों में ये सब वर्णन किया गया है। इसीलिए मैं श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूँ और जन्म जन्मांतर में यही मेरी आशा है। रूप रघुनाथ पद रहु मोर आस, रूप और रघुनाथ के चरणों में हमेशा जन्म जन्मांतरों में एक ही मेरी प्रार्थना है, एक ही मेरी आशा है। क्या आशा है? यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतरों में रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की धूली बन सकूं, उनके भावों को समझ सकूं, उनके विचारों को समझ सकूं। तो ऐसी प्रार्थना जो है नरोत्तम दास ठाकुर जी यहाँ पर करते हैं। तो महान भक्त वे चैतन्य महाप्रभु के, महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के 200 वर्ष बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म हुआ था इस संसार में। तो इतने महान भक्त थे, जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं अपने भक्तों के संग में, तो अचानक जोर जोर से नरोत्तम 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 पुकारते हैं, तो अन्य भक्तगण बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये नरोत्तम कौन है, नरोत्तम कौन है। तब चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण के विरह में नृत्य करते थे, कृष्ण मोर जीवन कृष्ण मोर प्राण धन कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, इन भाव में नृत्य करते हैं। सहित प्राण नाथ पायनु जहां लागे मदन गहन झुरी गेनु, तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण का स्मरण करते हैं, नृत्य करते हैं, भावावेश में आते हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं, उन प्रेम के आंसुओं को जो है नित्यानंद प्रभु ने इकट्ठा किया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जो प्रेम के आंसू हैं इनको आप पद्मावती नदी में रख दो, भविष्य में नरोत्तम नामक एक भक्त आएगा और उसको ये प्रेम दे देना। इस भावना से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु पद्मावती नदी के तट पर गए और उन्होंने वो प्रेम के आंसू उस नदी को समर्पित किए कि इसको संभाल के रखो, भविष्य में नरोत्तम नामक भक्त आएगा, उसको ये प्रेम दे देना, कृष्ण प्रेम। तो पद्मावती नदी कहती है कि हे प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नरोत्तम दास ही है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब वह व्यक्ति आपके पास आएगा नरोत्तम नामक भक्त, जैसे ही वह स्नान करेगा उसी समय बहुत तेज बाढ़ आ जाएगी, आप में बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, तो समझना यही नरोत्तम है। तो जब नरोत्तम नामक भक्त पद्मावती नदी में डुबकी मारते हैं, स्नान करते हैं, तो बहुत तेज बाढ़ आ जाती है नदी में और पद्मावती नदी समझ जाती है कि यही नरोत्तम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम रखा हुआ था पद्मावती नदी के पास, वह नरोत्तम दास ठाकुर को समर्पित कर दिया, उनको दे दिया। और इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर का जो शरीर का कलर है वो गौर वर्ण का हो गया और नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण प्रेम में नृत्य करने लगे। तो ऐसे थे नरोत्तम दास ठाकुर जिनके लिए महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रखा था। तो आज ऐसे महान वैष्णव के समाधि स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इन्हीं के गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी जी, लोकनाथ गोस्वामी इनके गुरुदेव, उनकी समाधि पर भी हम लोग बैठे हैं। लोकनाथ लोकेर जीवन, तो लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र जो शिष्य हैं वह नरोत्तम दास ठाकुर। तो वृंदावन में 6 गोस्वामी प्रसिद्ध हैं,
लेकिन छह गोस्वामी से पहले दो गोस्वामी और इस वृंदावन में आए, उसमें से पहले हैं भूगर्भ गोस्वामी, जिनका दर्शन हम लोगों ने राधा दामोदर मंदिर में किया था, समाधि भूगर्भ गोस्वामी, और यहाँ पर है लोकनाथ गोस्वामी। तो दो गोस्वामी ये हैं और षड गोस्वामी, तो कुल मिलाकर आठ गोस्वामी हैं गौड़ीय संप्रदाय में। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने महान स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को इन ऐसे महान भक्तों के विषय में, इनके हृदय के भावों को समझना चाहिए। इन्होंने जो प्रार्थना किया है भगवान के लिए, उनका चिंतन करना चाहिए। लेकिन चिंतन तो अभी संसार का हो रहा है, नींद का होता है, कब जो है भोजन मिले इसका चिंता होता है, कहाँ पर हम जूस पिए, कहाँ पर हम ठंडा पानी पिए, तो यही चिंतन हो रहा है। तो चिंतन किसका होना चाहिए, कम से कम इस स्थान में तो भजन का चिंतन करो। दिल्ली में कर लेगा खाने पीने की चिंता, ठीक है। तो ये तो नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। समय कितना हो गया है, दर्शन खुलेंगे, आरती हो रही है, तो डेढ़ बजे है, तो अभी दर्शन खुलने वाले हैं। तो दर्शन करके अगर कथा सुनने की इच्छा तो आ जाना, नहीं तो दर्शन करके निकल जाएंगे। तो क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, मंदिर बंद है, तो आधा पौन घंटा कथा कर लेंगे, उसके बाद चल पड़ेंगे। कितने लोग तैयार है आपने? हरि बोल। थोड़ा वृंदावन की महिमा भी आप लोग को बताएंगे, जिस ब्रज में आप लोग आए हैं। तो दर्शन करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आइए, थोड़ा कथा करेंगे, क्योंकि ब्रज में आने का मतलब है कथा, तब कथा अमृतम, थोड़ा कथा कर लेंगे उसके बाद चलेंगे, ठीक है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की अभी वहाँ पर नहीं आना है, चिंता मत करो, चलिए दर्शन करिए।